देखा कितनी जल्दी 100 पे छू लिया मैंने। ओके तो ये था हाल इसका, मेरा पुराना वाला कॉपर का होता है ये, और ये नया वाला है। 1,00,000 किलोमीटर तक चलेगा। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो सबके सब। आज एक बार फिर से इरिडियम स्पार्क प्लग। ये इरिडियम स्पार्क प्लग होता क्या है, कैसे काम करता है, और काम करता भी है, ज़्यादा काम करता है, कम काम करता है, उसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। तो पहले मैं ऐसा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अब हमें क्वीन के अंदर ये इरिडियम स्पार्क प्लग्स लगाने हैं, और परफॉर्मेंस में एनहेंसमेंट मिलती है या फिर किस चीज़ में मिलती है देखते हैं। पहले देखते हैं ये चीज़ है क्या। तो जी ये हैं वो स्पार्क प्लग्स, और ये स्पार्क प्लग्स बहुत महंगे मिलते हैं। नॉर्मल स्पार्क प्लग आपको मिल जाएगा 200 रुपये के आसपास का, या फिर 150 के आसपास का, बट ये वाले मिलेंगे आपको, देखो जितने प्रिंट रेट है ना इतने ही मिलेंगे, और जब बल्कि मुझे ज़्यादा ही मिला होगा इससे, 688। इम्पोर्टेड होता है, मेड इन जापान होता है ये, ठीक है। ये जैपनीज कंपनी है एनजी के, और काफ़ी अच्छे स्पार्क प्लग बनाती है। अब इन्होंने इरिडियम भी बनाया है, बहुत सारी कंपनीज ने और भी बनाया है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है इरिडियम। तो देखते हैं एक बार इसको खोल के कि ये अंदर से कैसा है। तो ये निकल गया दोस्तों मेरे हाथ में इरिडियम स्पार्क प्लग। अब देखो ये दूर से ऐसे देखोगे ना तो नॉर्मली दिखेगा जैसा कि हमारी बाइक में लगा होता है, वो कॉपर वाला होता है, ये इरिडियम होता है। इरिडियम क्यों बोलते हैं वो मैं भी बताऊंगा। तो दिखने में तो ऐसे ही होता है, लेकिन अगर इसकी ये पॉइंट देखो ना, ये वाला पॉइंट अगर कैमरा फोकस में ले रहा है ना, बहुत छोटा सा पॉइंट है ये, इसके लिए मुझे दूसरा कैमरा लेना पड़ेगा। एक मिनट फोकस करके देखता हूँ। ये देखो ये जो टिप है ना इसकी, ये मैं फोटो डाल दूंगा, फोटो में देखना। तो ये जो टिप है ना इसकी, ये बनी होती है इरिडियम एलॉय से। इसका जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये किसी और एलॉय का होता है, और ऊपर वाला हिस्सा इरिडियम का होता है। इरिडियम का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे ये हमारे जो नॉर्मल वाले जो कॉपर वाले स्पार्क प्लग्स होते हैं ना, ये कंपनी क्यों लगा के देती है, क्योंकि हर एक चीज़ में उन्हें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर 15,000-20,000 किलोमीटर के बाद में मैं ये चेंज करा लूँ तो 400 रुपये का चेंज होगा, लेकिन ये वाला जो है ये 700 रुपये ऑलमोस्ट के आसपास का आपको पड़ेगा, 700 का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 680-690 भी हो सकता है, लेकिन ये 1,00,000 किलोमीटर तक चलेगा। पहली खूबी तो ये हो गई। दूसरी खूबी ये हो गई कि ये वाले जो स्पार्क प्लग्स होते हैं ना, मान लो कि इसकी चिंगारी इतनी सी जल रही है, इतनी सी चिंगारी जल रही है, तो इस इरिडियम स्पार्क प्लग की चिंगारी जो इंजन के अंदर जो चिंगारी लगेगी वो मोटी जलेगी, बड़ी जलेगी, वो ज़्यादा हीट पैदा करेगी, ज़्यादा कंबर्शन होगा। उससे क्या होगा, जो आपका बच जाता है ना ऑयल, जो कि स्मोक के ज़रिए यहाँ से निकल जाता है, वो भी जल जाता है, और माइलेज भी मिलती है थोड़ी सी बढ़ जाती है। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं, और मैंने भी देखा है कि 0.5 BHP आपका बढ़ जाएगा ये लगाने से, क्योंकि इग्निशन जो कंबर्शन है वो अच्छा हो जाता है अगर हम अच्छे स्पार्क प्लग्स यूज़ करें तो। तो अभी जैसे कि मैं ये कॉपर स्पार्क प्लग में चला रहा हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा इसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है खुलवा के, और फिर हम उसकी जगह लगवाएंगे ये। तो किसी एक आसपास के मैकेनिक को पकड़ते हैं, और वो मैकेनिक से खुलवाते हैं ये दोनों, और फिर दिखाता हूँ कि फ़र्क क्या होता है। ओके तो ये था हाल इसका, मेरा पुराना वाला कॉपर का होता है ये, और ये नया वाला है, दोनों में कितना डिफरेंस है। ये ले लगा दिया, मैं आ गया हूँ इस वक्त। थोड़ी सी खाली सी रोड है, ज़्यादा खाली नहीं है लेकिन फिर भी खाली है, और यहाँ पे दोनों जो हमारे इरिडियम स्पार्क प्लग हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग ना पूरी पूरी किट लगवा लेते हैं। किट के अंदर क्या आता है, स्पार्क प्लग्स आते हैं और ये वाली वायर्स भी आती हैं। तो ये वाली जो वायर्स हैं इनको अपग्रेड करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत अच्छी है। हमें सिर्फ स्पार्क प्लग स्पार्क को बड़ा करना है, बस दैट्स इट। तो अगर हम सिर्फ स्पार्क प्लग ही चेंज करा लें ना, तब भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमें वायर की ज़रूरत ही नहीं है। वायर चेंज भी कर लोगे, नहीं भी करोगे ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि जो भी थोड़े से बड़े इंजन है, 500 cc के आसपास के इंजन है ना, उसके अंदर अगर आप इरिडियम स्पार्क प्लग डालते हो तो ही फ़ायदा मिलेगा। छोटे इंजन के अंदर डालोगे तो उसके अंदर फ़ायदा इतना ज़्यादा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े इंजन में थोड़ा सा भी फ़र्क अगर आएगा ना तो वो पता चलेगा, लेकिन छोटे इंजन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आएगा तो मामूली सा फ़र्क आएगा। अब देखो लगाते के साथ ही मेरे को कुछ चीज़ों का फ़र्क पता चला है, और वो फ़र्क कैसे होता है, सबसे पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। जो कॉपर स्पार्क प्लग होते हैं ना, उनका स्पार्क छोटा होता है, वो सिलेंडर में थोड़ा सा फ्यूल छोड़ देते हैं जो कि वेस्ट होता है,
जो कि हमारे एग्जॉस्ट से होके निकलता है। लेकिन जैसे अगर आपने हिस्ट्री चैनल देखा है, डिस्कवरी चैनल देखा है, डिस्कवरी टर्बो देखा है, उसके अंदर मसल कार जब बनाते हैं लोग तो उसके अंदर एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं MSD, मल्टी स्पार्क डिवाइस करके होता है वो। उसकी वायर जाती है रेड कलर की सारे स्पार्क प्लग में, तो वो क्या करता है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्पार्क क्रिएट करवाता है। तो जितना एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगा तो उसको बर्न होने के लिए ना जो इलेक्ट्रिक जो स्पार्क है ना वो भी तेज़ होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा ही होगा ना तो थोड़ा सा ही फ्यूल बर्न होगा और वो पूरा पूरा बर्न नहीं होता है और थोड़ा सा चिपका रह जाता है दीवारों से जो सिलेंडर होता है। बट इस केस में क्या है, ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है स्पार्क क्रिएट करेगा क्योंकि इरिडियम है और इरिडियम की लाइफ बहुत है। जब ये इसके अंदर लग गया, अब एक साल की छुट्टी, अब मेरे को कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक चीज़ साफ साफ सीधी सीधी दिखाई देता हूँ जो कि मुझे फ़र्क पता चला है। देखो, अगर आप इंटरसेप्टर GT यूज़र हो ना तो हम इसमें बटन दबाते ना तो ये ऐसे स्टार्ट होती है, कर 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 फिर स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ये देखना, ये देखो फर्क है भाई, ये देखो। और कुछ जो कंप्यूटराइज नहीं होती जिनमें जैसे मान लो कि ECM नहीं है बाइक में, ठीक है, वो बिल्कुल मैनुअल है, तो उसके RPM बढ़ जाते हैं, आपको RPM नीचे से ठीक करने पड़ेंगे। लेकिन इस बाइक में ECM है पहले से ही, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि RPM कभी भी 1500 से ऊपर होने ही नहीं देगा, चाहे कितना ही बर्निंग इफेक्ट मिल रहा है इसके अंदर इसके इंजन को, लेकिन वो कभी भी इससे ज़्यादा जो है उसको जाने नहीं देगा, अपने आप ही कंट्रोल करके रखेगा 1500 RPM पे। इस सिर्फ एक स्पार्क प्लग लगाने से ना आपकी जो माइलेज है ना वो भी हल्की सी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको 60-70 किलोमीटर की एवरेज मिल रही है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो ये बाइक जो है 20 किलोमीटर की देती है ना तो 21 की देने लग जाएगी, दैट्स इट। और इनिशियल पिकअप इसमें बढ़ेगा क्योंकि जब कम्बशन एकदम से होगा ना तो इनिशियल पिकअप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग वाला पिकअप। ऐसा नहीं कि स्पीड में बहुत तेज भागेगी, हॉर्स पावर बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ये एक गुड चीज़ है जिसको आप ऐड कर सकते हो अपने बाइक में जिससे कि आप प्यार करते हो। तो इरिडियम स्पार्क प्लग अगर आप लगाते हो, जैसे क्लासिक 350 है ना, उसके अंदर भी आप लगा के देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फर्क पता चलेगा इस चीज़ का। और जो है इनको चेंज करने में भी कुछ नहीं होता, बंदे ने ऐसे करके खोला और ऐसे करके लगा दिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बस एक प्लग पाना चाहिए होता है इसको चेंज करने के लिए। काफ़ी मतलब ऐसा है कि ये मानी हुई चीज़ है, जो इरिडियम स्पार्क प्लग है ना वो सारी हाई परफॉर्मेंस बाइक्स के अंदर डाल के देती हैं कंपनीज, या फिर अगर नहीं डाल के देती तो आप डलवा लो क्योंकि हाई परफॉर्मेंस बाइक्स के लिए ही बना है। अभी ये कार के अंदर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बाइक्स के लिए तो है, और बाइक्स के लिए अगर है तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो अब एक बार ही देखते हैं इसका पिकअप, वैसे आपको कैमरे में इतना पता नहीं चलेगा, पता तो सिर्फ मुझे ही चलेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे दौड़ेगी है। क्विक रिस्पॉन्स पता चल रहा है। अच्छा, ये जो थ्रॉटल है ना, एक चीज़ देखना, ये जो थ्रॉटल है ना, थ्रॉटल का भी रिस्पॉन्स थोड़ा सा बढ़ गया है। देखो, ये देखो, साउंड सुनो, वाह। ओके, अब जो मैं कह रहा हूँ ना कि इनिशियल पिकअप बढ़ेगा, हॉर्स पावर नहीं बढ़ेगी। हॉर्स पावर क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने कुछ ऐसा ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ इग्निशन का एक पार्ट, स्पार्क का एक पार्ट किया है ऐड अपनी बाइक में। तो सिर्फ और सिर्फ पिकअप बढ़ेगा, वो भी ऐसा कि आपको कोई ऐसा नहीं कि व्हीली मार देगी, ऐसा नहीं है कि पता नहीं आपको आप रॉकेट बन जाओगे, लेकिन हाँ पता चलेगा। तो चलो एक बार दोबारा से मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखना कि मैं फर्स्ट जब गियर चेंज करूँगा ना तब मैं आपको बता दूँगा। मैंने रोक दी क्योंकि ये जो रोड है ये 100 पे चलाने वाली नहीं है। ये देख लो, ये रोड कैसी है, तो 100 से ऊपर भी ये एकदम से भागेगी अब, क्योंकि इसके अंदर अब अपग्रेड हो चुके हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने अपग्रेड कर रखी है, जैसे कि ये वो एयर फिल्टर। अगर आपने मेरा एयर फिल्टर वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, काफ़ी अच्छा सा वीडियो था वो, जिसके अंदर मैंने एयर फिल्टर को काट के लगाया और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और अब मैं बता रहा हूँ कि EDM से ना मेरा जो साउंड है बाइक का
वो भी स्मूथ हो गया, स्मूथ मजा आ रहा है। और बताओ सेकंड गियर में मैं 100 पे पहुंच गया, कितनी बढ़िया बात है। और वो भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चलाई है, थोड़ी सी चलाई है, क्योंकि ये जो रोड है ये रोड नहीं है, ये गली जैसी रोड है। और अगर इतने सही डिस्टेंस के अंदर मैं पहुंच गया 100 पे एकदम से छूटने के साथ ही, तो सोचो कि जो इनिशियल पिकअप है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो इस चीज़ के लिए है थम्सअप इरिडियम स्पार्क प्लग, अच्छा है, माइलेज भी बढ़ाएगा, इनिशियल वो भी देगा, पिकअप भी देगा। और अगर आप लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज़ चाहते हो तो वो यही है, इसको कभी चेंज कराने की जरूरत नहीं है, 1,00,000 किलोमीटर तक चलेगा ये। तो चलो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, अपनी फैमिली और अपना ख्याल रखो। और कोई अगर नया वीडियो को नए तरीके का देखना हो तो कमेंट करना। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।